ब्यावर जिले के विशेषाधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए शहर के चांगेर पर प्रशासन की ओर से लगाए गए विशेष महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में चल रही राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पंजीयन व्यवस्था का निरीक्षण किया। अवलोकन के दौरान काउंटरों पर किए जा रहे कार्यों को लेकर वहां उपस्थित प्रभारी तथा कर्मचारियों से भी बातचीत की। हर भ्रमण के दौरान विशेषाधिकारी तोमर ने एकता सर्किल, चांगे, सतीदास सिनेमा, भगत चौराहा सहित अन्य स्थानों का अवलोकन किया। इसके बाद तोमर ने शुक्रवार शाम को न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में शहर के सभी विभागीय अधिकारियों तथा प्रभारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों तथा प्रभारियों से अपने अपने विभाग की कार्यप्रणाली, उपस्थित स्टाफ, विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रवृत्ति आदि सहित अन्य प्रकार की जानकारियां ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों तथा प्रभारियों को अपने अपने विभाग के कार्यों के लिए तत्पर रहने तथा जिले के गठन के बाद उनकी बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए आमजन के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं में प्रत्येक विभाग से संबंधित योजनाओं की वर्तमान प्रगति का जायजा लिया तथा योजनाओं का लाभ आमजन तक अधिक सुदृढ़ता एवं सुचारू रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में विशेष अधिकारी तोमर ने ब्यावर के जिला घोषित होने के उपरांत नव पदस्थापित होने वाले अधिकारियों एवं विभिन्न कार्यालयों को जिला स्तरीय आवश्यक सुविधाएं आवंटित करवाने के लिए उपस्थित अधिकारियों से सुझाव भी लिए। बैठक में उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, विकास अधिकारी जवाजा, जलदाय विभाग से प्रवीण कुमार, कमल कुमार, विद्युत विभाग से अमित यादव, आशीष खंडेलवाल, पीआरओ मनीष जैन, परिवहन विभाग से वीपी सिंह, निरंजन कुमार शर्मा, नगर परिषद से केसी मीणा, हरिराम लखन, अंजुमन अंसारी, सचिव विकास कुमावत, उप रजिस्ट्रार हीरा लाल, शिक्षा विभाग संतोष सिंह तथा आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर पारस चौहान आदि उपस्थित थे। ब्यावर जिला बनने के बाद रोहिताश तोमर सर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने एज विशेष अधिकारी ब्यावर ज्वाइन किया। तो उसी के उपलक्ष में आज उन्होंने एक ब्यावर का एक राउंड लिया था, जहां उन्होंने सारे अपने शहर के मेजर लैंडमार्क्स को चेक किया, जैसे कि अपने मेजर एक पांचबत्ती चौराया हो गया, सिटी सिनेमा चौराया, या आपके सारे चांग गेट, मेवाड़ी गेट, फलाना, सब सारी चीज़ें चेक की, मेजर ऑफिसर्स को एक बार बाहर से देखा। और आज एक बार सारे जितने भी अपने लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको बुलाया, उनसे परिचय किया कि उनके पास कितना स्टाफ है, क्या उनका एरिया ऑफ वर्किंग है, क्या इश्यूज रहे, कैसे होता है। इस पे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अगले हफ्ते हम ज़्यादा एक बार चर्चा करें। और जो कि अब ब्यावर जिला बन गया है, तो सारे लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर से ये अपेक्षा की जाएगी कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका तुरंत से तुरंत समाधान किया जाए, बिकॉज अब ब्यावर शहर ना सिर्फ ब्यावर वासियों को केटर करेगा, बट आसपास के सारे उपखंड के लोगों को भी केटर करेगा। तो जो कि अब जिलाधिकारी भी आ गए हैं, तो अब आगे हमें देखना है कि आगे हम और कैसे व्यवस्थाएँ ठीक कर पाएंगे।